जी मैं तो बच गई हूँ चालान कटवाने से, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि जनाब घर से बाहर निकल रहे हैं ना तो मुंह पर मास्क जरूर लगा के जाइए, नहीं तो आपको भी चालान कटवाना पड़ेगा। वैसे एक बात बताइए जनाब, मेरी तरह आप भी ऐसे हैं केयरलेस जो मुंह पर मास्क नहीं लगाते हैं? यू नो व्हाट, मैं तो हर टाइम मुंह पर मास्क लगाती हूँ, हर टाइम नहीं लेकिन घर से बाहर जब भी निकलती हूँ ना तो मास्क जरूर लगाती हूँ, लेकिन आज मैं इतनी जल्दी में घर से निकली और आज ही मैं अपने मुंह पर मास्क लगाना भूल गई और आज ही पुलिस ने मुझे रोक लिया। तो देख लीजिए जी, ये जल्दी के चक्कर में मैंने तो अपना नुकसान करवा लिया है, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ जनाब, अगर आप भी घर से निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर जरूर निकलिए। सिर्फ चालान के चक्कर में ही नहीं, अपने आप की केयर के लिए भी जरूरी है आपका मुंह पर मास्क लगाना। फिलहाल के लिए आपको बता देना चाहती हूँ जनाब, आप जुड़ चुके हैं बॉलीवुड गॉसिप प्रोग्राम के साथ और मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ ढेर सारी बातों को लेकर, यानी कि ढेर सारी गॉसिप्स को लेकर। तो फटाफट से आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जी यूट्यूब पर यस टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी और हमारी ये जो मुलाकातें हैं ना, डेली की एक मुलाकात बन जाए। तो चलिए आज के पिटारे में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं जनाब। आपको बताना चाहती हूँ कि 2001 में एक फिल्म आई थी जिन्होंने जी भाई बम्पर सबको जी हिला दिया था, यानी कि पूरे फिल्म जगत को हिला दिया था। और 2001 की जो फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, उस फिल्म का नाम है गदर एक प्रेम कथा। आपको बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म के पीछे मेरा क्या किस्सा है, फिल्म के बारे में जरूर बताऊंगी जनाब। ये जो फिल्म जब रिलीज हुई थी तब आप सभी जानते हैं कि किसी किसी के घर में टीवी होता था, है ना, तो ऐसे ही हमारा भी एक ऐसा घर था जहाँ पर टीवी एक ही था। लेकिन जनाब ये फिल्म के लिए हम सारे घर वाले क्रेजी थे। अब हमारे घर में, हम जॉइंट फैमिली है और हमारे घर में नियर अबाउट 20 सदस्य तो थे ही, है ना भाई, तो उन 20 सदस्यों के लिए एडजस्टमेंट करना ना बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो हमने क्या किया, VCR में ना VCR लिया और उसमें इस फिल्म को देखने के लिए ना बिल्कुल ठान लिया। फिर जी हमने गर्मियों के दिनों में छत पर बैठकर बिल्कुल कुर्सियां बिठाकर और एक सिनेमा वाली फील लेकर ना VCR में इस फिल्म को जी जलाया और पूरी फिल्म को देखकर एंजॉय किया। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि आप फिर से एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म को फिर से वापस लाने की बात चल रही है। जी हाँ, गदर फिल्म का सीक्वल फिर से वापस लाने की बात चल रही है और इसी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि गदर 2 यानी कि गदर एक प्रेम कथा यानी गदर 2 फिर से आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए इस फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी कब रिलीज होगी या फिर कब हमारे सामने आएगी इसके बारे में तो तब पता चलेगा जब फिल्म पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस फिल्म में लीड रोल वैसे जैसे कि सनी देओल और अमीषा पटेल ने किया था, उसी तरह सनी और अमीषा पटेल इस फिल्म में नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ इस फिल्म में छोटा किरदार जिन्होंने निभाया था जिसका नाम था, यानी कि सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल का जो छोटा सा बेबी जिसका नाम जीता था, आपको बताना चाहती हूँ कि वो फिल्म डायरेक्टर अनिल कुमार का ही बेटा था और इस फिल्म में भी फिर से नजर आएंगे इन्हीं का बेटा। जी हाँ दोस्तों, जो कि फिर से अमीषा और सनी के एक बेटे का रोल अदा करेगा। ये थी बॉलीवुड की एक खास खबर। इसी के साथ बॉलीवुड की दूसरी खबर भी आपके सामने रख देना चाहती हूँ कि जनाब एक फिल्म आई थी बंटी और बबली। हाँ जी, यही फिल्म फिर से वापस लाने की तैयारियों में है। जी बंटी और बबली 2 फिल्म फिर से आप सभी को सिनेमा में देखने को मिलेगी। वैसे ना कोरोना के चक्कर में ना जनाब ये काफी सारी फिल्में थी ना वो हमें देखने को मिली नहीं, लेकिन अब तो जी एक से बढ़कर एक फिल्म के टीजर भी आ रहे हैं, रिलीजिंग डेट भी आ रही है और जी खुलासा भी हो रहा है कि कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं या फिर कौन कौन सी फिल्में आ चुकी हैं। तो इसी के साथ आपको एक और खुलासा कर देती हूँ फिल्म का, भाई बंटी और बबली 2 फिल्म भी बहुत जल्दी आने वाली है। फिलहाल के लिए इस फिल्म की मेकिंग का काम चल रहा है, लेकिन कब फिल्म आएगी इसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी इस बॉलीवुड गॉसिप्स की आखिरी और लास्ट न्यूज भी आपके साथ साझा कर देती हूँ जनाब। कलर्स का जो मेरा फेवरेट है और सभी का फेवरेट है और लोकप्रिय एक शो है जिसका नाम है शक्ति 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 शक्ति। भाई जनाब शक्ति जो सीरियल है वो आप सभी देख, और इस सीरियल को देखने वाले भाई बहुत सारे फैंस भी हैं। उन फैंस के लिए एक खास खबर लेकर आई हूँ कि ये जो सीरियल जो है फिर से वापस सीजन 2 लेकर आने वाला है। लेकिन इस शो में एक और खास खबर का खुलासा हुआ है, जी हाँ, जो कि रुबीना दिले के फैंस है ना उनके लिए खास खबर है।
खुशखबरी है जनाब, शक्ति अस्तित्व का एहसास जो सीरियल है इसमें फिर से रुबीना दिलेक को ही लाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, आपको बता देना चाहती हूँ कि हाल ही में रुबीना दिलेक ने अपने इंस्टाग्राम पर बहुत ही प्यारी प्यारी अपनी फोटोग्राफ्स शेयर की हैं। उन फोटोग्राफ्स को भी उनके फैंस ने काफी ज्यादा लाइक किया है। फिलहाल के लिए उन फैंस के लिए भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई फिर से शक्ति सीरियल में नजर आने वाली है रुबीना दिलेक। तो जी ये थी आज बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें, और ऐसी खबरों को आप अगर फिर से जानना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए अभी वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, मैं चलती हूँ, लेकिन फिर से मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है बॉलीवुड गॉसिप्स। तब तक के लिए भाई आप अपना ध्यान रखिए, मुंह पर मास्क लगाकर जरूर घर से निकलें। टाटा एंड बाय बाय।